हेलो गाइस, वेलकम टू हिस्ट्री ऑफ फ्यूचर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अभिषेक ठाकुर और आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ जो आईपीएच विभाग में हिमाचल प्रदेश के भर्तियाँ हो रही हैं, डिफरेंट डिवीज़न में पैरा पंप ऑपरेटर, पैरा फिटर और मल्टीपर्पज़ वर्कर के लिए, तो उसमें आपका सिलेक्शन जो है किस तरह से किया जाएगा, कितने टोटल मार्क्स का ये पूरा प्रोसीजर होगा, कैसे आपकी सिलेक्शन की जाएगी, तो पूरा इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अंत तक इस वीडियो को पूरा देखिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें ताकि इस तरह की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो इसमें जो आपका पूरा प्रोसीजर रहेगा तीनों वैकेंसीज़ के लिए, वो रहेगा टोटल 10 मार्क्स का, जिसमें आपके जो पैरा पंप ऑपरेटर के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए जो परसेंटेज ऑफ मार्क्स उनकी 10th क्लास में है तो उसके बेस पे उनको दिए जाएंगे 5 नंबर में से, पैरा फिटर के लिए 5 नंबर में से और मल्टीपर्पज़ वर्कर के लिए 6 नंबर में से नंबर दिए जाएंगे। लेकिन उनके लिए मैट्रिक के यहाँ परसेंटेज नहीं लगाई जाएगी, उनके लिए जो मिडिल क्लास की परसेंटेज है वो ली जाएगी, क्योंकि उनके लिए जो क्वालिफ़िकेशन चाहिए वो मिडिल पास चाहिए। तो 5 नंबर में से नंबर लगेंगे पंप ऑपरेटर के लिए, फिटर के लिए 5 मार्क्स में से और मल्टीपर्पज़ के लिए 6 मार्क्स में से उनके परसेंटेज के अकॉर्डिंग यहाँ पे नंबर लगाए जाएंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे जो बीपीएल फैमिली के होंगे उनके 1 नंबर लगेंगे पैरा पंप ऑपरेटर के लिए, फिटर के लिए 1 नंबर और मल्टीपर्पज़ वर्कर के लिए यहाँ पर कोई नंबर बीपीएल फैमिली के ऐड नहीं होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सपीरियंस की, तो इसमें यहाँ पर 2 मार्क्स लगेंगे अगर आपके पास एक्सपीरियंस है हर एक पोस्ट के लिए, यानी कि तीनों जो पोस्ट हैं उनके लिए 2-2 मार्क्स लगेंगे जिसमें भी आपने अप्लाई किया होगा, और आपके पास अगर एक्सपीरियंस है रिलेटेड फील्ड का तो आपके जो है इसमें 2 मार्क्स लगाए जाएंगे। नेक्स्ट जो होगा आपका स्किल टेस्ट एंड फिज़िकल टेस्ट होगा, तो स्किल टेस्ट और फिज़िकल टेस्ट होगा फिटर और पंप ऑपरेटर के लिए, और मल्टीपर्पज़ वर्कर के लिए सिर्फ आपका जो है वो फिज़िकल टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। तो यहाँ पर 2-2 नंबर लगेंगे तीनों पोस्ट के लिए, जो भी उनका स्किल टेस्ट और फिज़िकल टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। तो इस तरह से ये टोटल जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा वो 10 मार्क्स का रहेगा, और जिसके इस 10 मार्क्स के बेस पे ज़्यादा नंबर होंगे उनकी सिलेक्शन इसमें इस हिसाब से की जाएगी। अब इसमें बात करते हैं कि जो एक्सपीरियंस टर्म बताई गई है जिसके आपको मार्क्स दिए जाएंगे, वो एक्सपीरियंस जो है किस उसका जो पर्टिकुलर है वो किस तरह का होना चाहिए, तो एक्सपीरियंस आपका रिलेटेड फील्ड का होना चाहिए, यानी कि जिस फील्ड के लिए आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस फील्ड में अगर आपने काम किया होगा तो वो एक्सपीरियंस आपका यहाँ पे काउंट किया जाएगा, और वो एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए आईपीएच विभाग का या फिर हिमाचल प्रदेश पीडब्ल्यूडी का या फिर सेंट्रल पीडब्ल्यूडी का या फिर पब्लिक सेक्टर का या फिर आउटसोर्सिंग एजेंसी जो कि सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है एचपी जल शक्ति विभाग में। तो इनसे अगर आपका एक्सपीरियंस रिलेटेड फील्ड का है तो वही इसमें जो है काउंट किया जाएगा, और जो रिलेटेड फील्ड इसमें बताई गई है कि रिलेटेड फील्ड का होना चाहिए, तो अगर आप पंप ऑपरेटर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का पंपिंग मशीनरी अलाइड इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन ऑफ रूरल वाटर सप्लाई स्कीम्स और इरिगेशन स्कीम्स। तो यानी कि जो रूरल वाटर सप्लाई स्कीम्स होती हैं और जो इरिगेशन स्कीम्स होती हैं उसमें आपका ऑपरेशन और मेंटेनेंस जो पंपिंग मशीनरी अलाइड इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन होता है उसका आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। और फिटर के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास जो एक्सपीरियंस होना चाहिए वो जो मेंटेनिंग इन द विलेज पाइप्ड वाटर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर और जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है रूरल वाटर सप्लाई का, उसका एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, यानी कि जो रूरल एरियाज़ में जो वाटर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसकी जो मेंटेनेंस की जाती है उसका होना चाहिए, या फिर जो रूरल वाटर सप्लाई की जाती है जो वाटर सप्लाई की जाती है रूरल एरियाज़ में उसकी डिस्ट्रीब्यूशन का आपके पास जो है उसमें आपने काम किया होना चाहिए। अब बात करते हैं जो स्किल टेस्ट और फिज़िकल टेस्ट बताया गया है उसमें आपका क्या आएगा, तो स्किल टेस्ट में आपका पैरा पंप ऑपरेटर के लिए माइनर रिपेयर आपको पंप्स की जो है आनी चाहिए, बेसिक नॉलेज होना चाहिए आपको लोकेट फॉल्ट की, जो फॉल्ट होते हैं उनका पता लगाने का और जो डैमेज हुई होती है उनकी रिप्लेसमेंट करने का और उनको पोजीशन में सेट करने का। नेक्स्ट आपको जो टेस्ट प्रेशर्स होते हैं उनका नॉलेज होना चाहिए, लीकेज का नॉलेज होना चाहिए आपको, पंप इंस्टॉलेशन का नॉलेज होना चाहिए कैसे उसको मोटर से कनेक्ट करते हैं, बेसिस आपको पता होने चाहिए अलाइनमेंट जो पंप टू मोटर होती है एंड जो उसके टूल्स होते हैं जैसे कि स्पैनर और कीस उनकी आपको नॉलेज होनी चाहिए, और आपकी जो एबिलिटी होनी चाहिए लोकेट करने की फॉल्ट को इलेक्ट्रिक सिस्टम में और मोटर्स में
और आपको जो एबिलिटी होनी चाहिए डिसमेंटल और पार्टली जो डिसमेंटल्स होते हैं और जो डैमेज हुआ होता है उसको रिमूव करने का, और जो उसकी रिप्लेसमेंट की जाती है, जो उसकी ग्रीसिंग की जाती है और जो ऑयलिंग की जाती है उसका भी आपको जो है नॉलेज होना चाहिए, और पंप लुब्रिकेशन कूलिंग सिस्टम का भी आपको नॉलेज होना चाहिए, और कैसे जो है रेगुलेटिव वाल्व्स और कंट्रोल मैकेनिज्म होता है पंपिंग सिस्टम का उसको ऑपरेट करने का भी आपकी एबिलिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं पैराफिटर के लिए, तो जो वाटर सप्लाई पाइपलाइंस होते हैं उसकी रिपेयर करने का आपको नॉलेज होना चाहिए, उसकी लीकेज कैसे अरेस्ट करनी है, न्यू जो कनेक्शन है कैसे ऐड करने हैं, बेसिक नॉलेज होना चाहिए पाइप फिटिंग का, उसके साइजेस, ऑपरेशन और मेंटेनेंस का, आपको जो कट ट्रीड्स होते हैं पाइप पे उनको ठीक करने का जो है नॉलेज होना चाहिए, फिटिंग का नॉलेज होना चाहिए यूजिंग बेसिक टूल से, और बेसिक ऑपरेशंस आपको आने चाहिए जो हाथ आते हैं, जैसे विलेज वाटर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं उसको मैनेज करने का आपको जो बेसिक ऑपरेशन है उसका नॉलेज होना चाहिए, पाइप डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वाटर का हिली टेरेन में उसका भी आपको नॉलेज होना चाहिए, पाइप फिटिंग और उसके ऑपरेटिंग स्किल्स होने चाहिए, और जो ग्रीवेंसीज होती हैं जो कंप्लेंट्स होती हैं उनको कैसे रिजॉल्व करना है उसकी भी आप में स्किल्स जो हैं वो मांगी जाती हैं। यहाँ पे फिजिकल टेस्ट के जो नंबर यहाँ पे लगाए जाएंगे उसमें आपका चेक कर किया जाएगा कि आप कैपेबल हैं जो टूल्स होते हैं जो पाइप्स होती हैं उनको हिली एरियाज में अगर ले जाना पड़ेगा तो उसके लिए आप कैपेबल हैं, और आप में कोई फिजिकल डिसेबिलिटी या फिर कोई कलर ब्लाइंडनेस तो नहीं है, तो ये उसमें आपकी चेक की जाएगी, तो ये रहेगा आपका फिजिकल टेस्ट में। तो ये टोटल प्रोसेस रहेगा टोटल 10 मार्क्स का। तो ये था गाइस आज की इस वीडियो में, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तरह की वीडियोज़ आगे भी देखते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियोज़ में।